प्यार माय हसीना, हम तो तैयार हैं बने बर बेशरम कुत्ता कमीना। सबसे पहले हमारे जो मेहमान है उनका स्वागत करते हैं। आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेहमान है आज हमारे उखर परिचय देना चाहता हूँ मैं। प्रांजल सिंह राजपूत हमारे साथ में मेहमान और हमारे साथ में है चंदन वर्मा। ये मन है दोनों जने छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में एक अलग ही नाम बनाया हुआ है। इखर मन से हम जानबो कि मन कौन से क्षेत्र में अपन योगदान देवा थे और का कुछ आप मन पर आज गोड़बाग में ले के आई। तो सबसे पहली परिचय प्रांजल सिंह राजपूत जी। सबसे पहली तो एक कार्यक्रम के लिए जम्मो जल्ला मोर जय जोहार प्रणाम करा थो। मोर नाम प्रांजल सिंह राजपूत और मैं भाटापारा जिला बलौदा बाजार से हूँ। मैं लोक नृत्य के विधा में अपन काम करा थो। तो मोर प्रयास है कि लोक संगीत के क्षेत्र में इतना काम करो कि अपन लोक संगीत लोक विधा ला जन जन तक पहुँचा सको। मैं चंदन वर्मा और छोटी सा एक यूट्यूब चैनल जिसे का नाम है हमारे विधा और मैं रैपर में हुई था कि मैं जो चैनल में खासकर छत्तीसगढ़ी फिल्म छत्तीसगढ़ी मतलब कंटीन जो नाम जानकारी आपको। तो सरवारी हो जैसे कि आप मन लगातार वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग मिला था और जो हमारे फिल्म आते 17 जून के लव लेटर उखर सिलसिला में हम जानना चाहबो हमारे मेहमान से गोट बात करबो। सबले पहले प्रांजल भाई आप मन बताओ कि हमारे जो फिल्म है लव लेटर एक ट्रेलर आप लोग देखे हो कैसे लगी साहब लोग? ट्रेलर देखे मतलब बहुत अच्छा लगी से और पहली बार मन कुरेशी के साथ एक नया चेहरा देखे मिली सब है। मन कुरेशी जी सृष्टि तिवारी जी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ओमा जो गाना है यदि मैं गाना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जो निशान दादा कोरियोग्राफी करे धक धक करे मोर छाती जी जी मतलब बहुत अच्छा लगी से खास करो जो पैरा वाले सीन है बहुत अच्छा लगी से मतलब देख के गाना। और यदि ट्रेलर में मैं डायलॉग की बात करूं तो जो सबसे पहला डायलॉग है ट्रेलर की जी कि तोर प्यार माय हसीना हम तो तैयार हैं बने बर बेशरम कुर्ता पजामा। तो ये जो स्टाइल है से बोला बेहद पसंद है इसे। तो ट्रेलर देखे में तो मजा आए अब बस अगोरा ही 17 जून के की कब हमन हां प्रीमियर तक पहुंचन जी और फिल्म ला देखन। अच्छा चंदन भाई आप हम बताओ भाई ट्रेलर तो बहुत तगड़ा है शानदार है और ट्रेलर मतलब अपना शानदार है तो कोई पिक्चर होगा। अच्छा आप मन जैसे छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रमोशन भी करता हो तो ये फिल्म में आप मन ला कौन से ऐसे बात लगते हैं जैसे निर्देशक उत्तम तिवारी जी है जेकर फिल्म लगातार शुरू से आते हैं ब्रांच 420 सरपंच और राजा छत्तीसगढ़िया 1 2 आई लव यू 2 1 2 तो फिल्म इंडस्ट्री में आप प्रचार प्रसार निकाल ये फिल्म कैसे देखते हो? ये फिल्म भी एक नवा कॉन्सेप्ट के साथ आई नवा कहानी के साथ जिस जिस हिसाब से ट्रेलर लगा थे देख के साथ ही साथ एक नवा एक पुराना जोड़ी देखने मिली दर्शक मन ला और बाकी फिल्म तो बढ़िया। प्रांजल भाई आप मन बताओ कि रील्स अभी चला थे खूब ये फिल्म के जैसे कि हम देखे आप मन केठा रील्स बनाया रील्स चला थे अभी बहुत ज्यादा मोर स्थिति है कि इसे मतलब शेड्यूल बिजी चला थे थोड़ा कुछ मोर पर्सनल व्यक्तिगत काम के कारण तो मैं फिलहाल तो रील्स नहीं बना पाया हूँ लेकिन जैसे मैं बताया हूँ धक धक करे मोर छाती मतलब बहुत ही प्यारा गीत लगे। तो बस अभी मोर अगोरा है कि कोई मोर संगवारी जो लड़की मोर साथ दे तो जरूर एक रील में जरूर बनाऊंगा मतलब जोड़ी ढूंढा तो जी ये ओवरऑल जैसे हमारे निर्देशक के बात करी हम उत्तम तिवारी जी की उखर फिल्म में लगातार सुपर हिट है दर्शक मन खूब पसंद आ रहे आप मन जब देखा और काम ला तो का कुछ कहना चाहता हूं आप मन कहीं कि देखो उखर साथ में काम करने का आपका मौका मिले इच्छा तो है कि उत्तम सर संग हम काम करें काबर की बहुत सारे प्रोजेक्ट में यहाँ देखे जब हम दोस्त में काम करते थे जैसे लव लेटर में वर्षा सारथी जी भी है जी एक किरदार में नजर आई तो वर्षा सारथी हमेशा जब भी मिले तो उत्तम दादा बहुत ज्यादा तारीफ करे ओखर बाद आई लव यू 1 2 3 हम देखे हैं तो ओखर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहे और जनता ला ऐसा हो जाता है कि हमारी इंडस्ट्री के होकर तारीफ करो तो नहीं जनता प्यार दे वो चीज दिखते कि जनता कितना ज्यादा पसंद करते उत्तम सर के काम ला तो हमरो है कि हम वो काम करें और उम्मीद है कि शायद उत्तम सर देखी तो अवसर हमला दी कि हम मन एक आशीर्वाद होना चाहिए ताकि हम मतलब ऊपर मार्गदर्शन में कुछ सीखे ना मिल सके कुछ नया करे के मौका मिल सके। चंदन जी का कहना है सर के बारे में या हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है इधर फिल्म से बहुत सारा फिल्म आते और जो डिस्ट्रीब्यूशन के काम देते हैं हमारे तरुण सर ओकर साथ में भी आप कुछ कुछ प्रमोशन के काम करे हो तो का कहना है सर के बारे में ये बताओ। सर के बारे में कहना है कि बहुत बढ़िया फिल्म बनाते हैं बधाई पाल कर सर है और साथ ही साथ हमारे जो फिल्म के प्रमोशन कर रहे हैं और फिल्म के बहुत से कलाकार वो सामने लगने का है और कौन कौन
कौन सा तरीका देखा तो आपने प्रमोशन करे बार का कुछ करा तो दर्शक मन तक ज्यादा से ज्यादा ये फिल्म के बारे में पता चल सके? दर्शक मन तक ये फिल्म के जो प्रमोशन है कुछ अलग तरीके से करा था। एक इंटरव्यू के माध्यम से जो हम लोगों तक पहुँचाना पड़ सकते यूट्यूब के लोगों के लिए। और कुछ प्रतियोगिता के बारे में? हाँ, मैं प्रतियोगिता रखी है जिसमें अच्छा रील्स बनाई, अच्छा कोई लव लेटर लिखी थी, एक 100 इसे जो होकर जो रील बनी है या फिर जो बेस्ट लिखी बेस्ट बोला, या फिल्म में सुपर स्टार नंबर 6 फिल्म देखे मौका मिली। वो साथ ही साथ हमारे एक फ़ोन के भी रखे गए पुरस्कार, और साथ ही साथ जो हीरा फिल्म्स के जो आने वाली फिल्म बनी थे वहाँ वो मूवी के हिस्सा में नहीं, मूवी के वो काम दिए ठीक। वो साथ ही साथ फिल्म में गाना की बात करें तो गाना बहुत शानदार तगड़ा है, तो मैं लगभग 2 गाना में 3 रील बना चुका। क्या बात है। अच्छा, आप मतलब अभी प्रमोशन करते हो और प्रमोशन के साथ साथ आप पढ़ाई भी करते हो, कैसे मैनेज करते हो? भाई देखो, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, प्रमोशन भी तो खैर करना है, तो उस टाइम अपन जो पढ़ाई टाइम है वो पढ़ाई करता हूँ, तो बचे टाइम है तो स्कूल के आई बात बोला भी मैंने प्रमोशन के लिए। ठीक ठीक। अच्छा राजा भाई, आप मन अभी क्या करते हो? अभी कोई आप मुझे प्रोजेक्ट आवा थे? प्रोजेक्ट अभी तक तो मोर लगभग 25 प्लस वीडियो एल्बम सॉन्ग निकल चुके हैं, उसके अलावा 8-10 शॉर्ट फिल्म करे हूँ, और एंड माइन फिल्म प्रोडक्शन के लिए मैं एक वेब सीरीज भी करे हूँ जिसका डायरेक्टर है कौशल उपाध्याय जी। हाँ जी, मन हाँ बोला अवसर दीस और लाल खदान, आप जम्मूजन सुने भी हो तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहे पब्लिक के। और बड़े प्रोजेक्ट की यदि बात करूँ तो अभी श्री शिवाय फिल्म के बैनर तले अभी आने वाला है संजू की दुल्हनिया, जिसका डायरेक्टर है हितेश कुमार देवानंद सर। ओकर बाद मोर नेक्स्ट प्रोजेक्ट है नवा बिहान, जिसका डायरेक्टर है आशीष गंभीर सर। अच्छा, हमारा अभी आप लोग देखा था ना, आप मन छत्तीसगढ़ी वेशभूषा कुछ लगाया जैसे कि रूपिया के थे, एक बारे में थोड़ा सा बताते दर्शक। जो मैं जो वेशभूषा है हमेशा मैं अपन साथ लेके चलता हूँ, खबर की मोर प्रयास है, कई जन तो पहले मुझे टोका है कि ये रूपिया महिला मन की है। मैं सहमत हूँ इस चीज़ से कि रूपिया जो है बेसिकली महिला प्रधान आभूषण है, और जो सूता है सूतिया है ओला महिला मन भी पहनते हैं पुरुष मन भी पहनते हैं। सूता के एक हिस्ट्री भी ऐसे माने जाते कि जब कोई लड़का विवाह योग्य होते या विवाह के मंडप में हल्दी चढ़े से पहले बोला पहनाए जाते, लेकिन ये मत समझना कि मैं विवाह योग्य हूँ जल्दी से जल्दी शादी और पहनने के कारण है कि मैं आज की यूथ ला मोटिवेट कर सकूँ जी। काबर की कहीं ना कहीं पर जो छत्तीसगढ़ संस्कृति रही, छत्तीसगढ़ी संस्कृति में जो आभूषण रहे बहुत विशाल रहे हैं, उसका इतिहास बहुत गहरा रहे हैं। आज के टाइम पे मैं मानता हूँ यदि ये दोनों ज्वेलरी जो मैं आज की यूथ के सामने रख दूँ और मैं बोलूँ कि नाम का है तो शायद नाम मैं नहीं जीत पाए, तो मेरे प्रयास है कि मैं लोग बता सकूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ी आभूषण ही जिला आवश्यकता है कि आज सहेजे की। काबर की बोलते हैं कि हर चीज संस्कृति ल बचाना चाहिए, काबर मैं मानता हूँ संस्कृति कभी नष्ट नहीं हुई, बस कहीं ना कहीं संस्कृति नदार जाती है, तो बस हमें इतना प्रयास करना चाहिए कि हमारे संस्कृति हमारे परंपरा हमारे कला को नंदाए मन, बस वही कारण से मैं हमेशा ये वेशभूषा धारण करते चलते। क्या बात। तो सवारी हो आप मन भी जो हमारा जो पूर्वज है ते मन ओखर पहली काका आभूषण ला इस्तेमाल करा है, कौन कौन सा चीज़ पहना है ओला भी जानना बहुत जरूरी, तो आप मन भी देखे करो खोजे करो, अगर हो सके तो आप मन ओला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला की कोशिश करें। अच्छा, आप मन से छोटे छोटे 10 क्वेश्चन है बोला हम शुरू कर था और जानथन कि आप मन का कुछ जवाब देता है। ओकर पहली हम जानना चाहबो कि हमारे फिल्म जैसे कि पोस्टर देखा था 17 जून के आखिर में टी शर्ट भी लगाए तो नाम ही है लव लेटर, तो आप मन है जब स्कूल टाइम में रहे कॉलेज टाइम में रहे कौन कौन लग कथे कर लव लेटर लिखे हो सबसे पहले बताओ? ऐसे तो स्थिति हो ही नहीं है कि ऐसे नहीं हो सका, मतलब मैं अपन लिए ककरों पर लिखे हूँ, लेकिन हाँ एरी से कि मैं हाँ बचपन से ही एक शरारती बच्चा हूँ जो अभी भी मोर मिजाज है शरारती नखटपन शरारती मन तो लिखते थे, तो मैं है ना अपन पर नहीं लेकिन भैया मन पर लिखा रहे हूँ। क्या बात, तब लिखा रहे? हाँ भैया मन पर लिखा रहे हूँ, मतलब भैया मन का है होते ना कि भाई उसको तेरी भाभी बनाना है बोलते वाले, तो वो चक्कर में हमने एक बार लिखा क्लास 8वीं में रहे तो मुझे अभी भी याद है हमारे मन के फ्रेंड सर्कल के ग्रुप रहा था, तो एक दोस्त रही से नाम में नहीं लेना चाहूँ बजाज कर तो वो लड़का हाँ बोलते हैं कि यार मैं भी लड़की पसंद है, तेरे पसंद है पसंद करता है बोलते हाँ,
तो हम क्लास में बैठ के ना ओखर नाम से एक लव लेटर लिख रहे हैं, हम मोरली मेरी सो लव लेटर, वो अगला के बिहाफ में लव लेटर लिख के लड़की तक पहुंचा रहे हैं। तो के बाद वो तरफ से भी रिस्पांस आई, लड़की तरफ से फिर लेके आया प्रॉपर। हां बस वो हमन मीडिएटर या बोल सकन लव गुरु के काम कर रहे हैं कि दो प्यार करने वाला ना मिलाएंगे काम कर रहे हैं या मैसेज पहुंचाएंगे। तो अपन लिए तो नहीं लिखे, हां दोस्त के लिए जरूर लिखे लव लेटर। क्या बात, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन हवा है। हवा है। अच्छा आप मन है फोक गीत जो है अच्छा गा लेते हो और ओखर बारे में बारीकी से आप मन ओखर कहा जाए तो अध्ययन करते हो जानते हो, तो दर्शक मन बारे फोक गीत सुना देते हो। पहले तो मैं बताना चाहूँ कि मैं यहाँ संगीत की शिक्षा सा लगाना का है कि संगीत में सा के बहुत महत्व होते हैं जी। तो मैं यहाँ मूल गुरु जयश्री नायर जी से शुरुआत कर रहे हूँ जी। ओखर बाद मैं लोक संगीत की शिक्षा भी डेविड निराला जी से ले बात हूँ जो मैं अभी लगातार सिखाए सारा जो मोर मेन फोटे है जिन्हें मैं लेके चलना चाहता हूँ भरथरी। आप जब मुझे पर मैं भरथरी रखना चाहूँ जी। प्रेरणा स्रोत थे सुरुज भाई खाने जी, रेखा जल छत्री जी। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ, घोड़े सारे माँ वो, हाथी रोवे हाथी सारे माँ। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ, घोड़े सारे माँ वो, हाथी रोवे हाथी सारे माँ। मोरे रानी है वो महलो मारो वे, मोरे रानी है या महलो मारो वे। मोरे राजा रो वे दरबारे माँ भाई दे जी। मोरे राजा रो वे दरबारे माँ भाई दे जी। बोए मसोने जमै नहीं मोदी लूरी नडार, सुन ले रानी मोर बातला। बोए मसोने जमे नहीं मोती लूरी नडार, सुन ले रानी मोर पातला। मानुस अवतार नहीं मिले उधार, मानुस अवतार नहीं मिले उधार। ईद बारंबार नहीं आवे वो, नहीं आवे वो भाई दे जी। ईद बारंबार नहीं आवे वो, नहीं आवे वो, नहीं आवे वो भाई दे जी। बोले राजा भर्तरी महाराज की जय। क्या बात है, सवारी हो आप मन भी सुने हो, आप मन ला भी बहुत कुछ अच्छा लगे। सो ही जाहिर सी बात है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ी परंपरा के ये जो भर्तरी गीत है और कई जन दर्शक मन है जिन मन ला ये चीज पता नहीं है, तो बिल्कुल आप मन सर्च करे करो, देखे करो, खोजे करो कि का कुछ है हमारे संस्कृति छत्तीसगढ़ संस्कृति। तो प्रांजल भाई से बहुत कुछ गोट बात करे हैं, अब हम जो क्वेश्चन वाले जो बात रही से बोला हम थोड़ा सा देखता ना आपके मनोरंजन पर फिर से क्वेश्चन वाला सिलसिला लेके आए। तो ये आपके पास एक पेन और पेंसिल है डिजिटल वाला और कुछ क्वेश्चन मोड़ कर रखा है, तो सबले पहले आपके नाम जानना चाहूँ, आपके नाव का है ये क्वेश्चन में, वैसे तो जाना था ना पहला दूसरा करके आप लिखकर जाऊँ यहाँ यहाँ से फर्स्ट से। और नाम प्रांजल सिंह राजपूत है। फिल्म देखता हूँ आप? हाँ देखता हूँ। खाना खाता हूँ? हाँ खाता हूँ। चार तो ऐसे अंक है जिनमें से कौन सा आपका पसंद है? 16, 21, 51, 99 21 कम वाले मिलान रख। आपके स्कूल टाइम की कोई संवारी हुई लड़की जिन आप जाना तो बढ़िया से उखर से खाना शेयर कर रहे हो, कॉपी पुस्तक शेयर कर रहे हो कॉलेज में, जिला आप कभी कभी धड़का सकत रहे हो इस टाइप की? धड़का सकत रहे हो टाइप के तो नहीं हुए, फ्रेंड अच्छी फ्रेंड रही है, बचपन से मन साथ पढ़े हैं नर्सरी से 8th तक, उसके बाद ट्यूशन भी पढ़े नम्रिता ठाकुर। ऐसे बहुत से फ्रेंड लेकिन अमृता से एक पारिवारिक संबंध है। पारिवारिक संबंध नहीं जिखल लिए आप कहीं कहीं चाहे 1% रखत हो उखल लिए तो बस कोशिश करते हैं जानो, 4 दिन लगातार वेट करने के बाद 5वां दिन मुझे पता चली कि वो लड़की मिस साहू है।
तो बातचीत ओकर से बात करना अच्छा लगा थी से तो बिल्कुल ओकर नाम डाल हम मना जानना चाहता हूं कौन है अभी मन बहुत अच्छा फ्रेंड है जी काफी अच्छी फ्रेंड है मोर और वो हो के नाम आपके स्कूल टाइम के कहां पढ़ाते रहे हो ओकर बारे में लिखो थोड़ा सा कौन सा गांव मैं भांडापारा से पढ़ाई अपन पूरा करे हूं पहली से आठवीं कॉन्वेंट स्कूल रही से असेंबली स्कूल ओकर बाद आपके दोस्त भी जिन लड़का हो जिधर से घर में उठना बैठना घूमना फिरना सारा कुछ टीके और फ्रेंड है टीकेश्वर ओकर नाम है आप रोज नहाता हो ऑब्वियस से बात है हां और फिर से वही क्वेश्चन है आप रोज के भोजन करते हो कि नहीं करते हां करते हैं वो दिखाना ही से भोजन और लास्ट में एक 10वां नंबर की क्वेश्चन है जब आप कोई काम करते हो तो आपने संतुष्टि पर आप वो काम करते हो कि सुकून मिला है थोड़ा काम दोनों में से संतुष्टि या सुकून में से एक ला लिखना है आपको मैं संतुष्टि के लिए करता हूं कभी कोई भी काम जो है संतुष्टि के लिए और मन संतुष्ट होना चाहिए बिल्कुल अब हम मिलाथन आपके काम पूरा हो गए तो संगवारी हो आपने एंजॉय जरूर करो ये हम अपन कोश अपन आंसर के साथ में उखर आंसर ला मिला था तो सबसे पहली है आपके नाम प्रांजल सिंह राजपूत यकीन है हां तो हाउ कहा थे कहूं माया करे हो हां हां कहा कितने बार करे हो 21 बार करे अरे आदमी अभी प्रांजल भाई अभी कहते कि मैं एको बार नहीं करे लेकिन बतावत का 21 बार मतलब फसाए ये फसाए के साजिश है आ काका साथ करे हो अब नाम पता भी चली ना कि काका साथ माया करे तो ये काय तरुणा तरुणा साहू के साथ करे है सवाल तो पूछेंगे ठीक है हमारी अब कहां करे वो भी भाटा पर अंदर गांव में क्या बात है जी काका सहयोग में टोकू टीके अच्छा टीके है ना टोकू टाइप की लगा तो टीके के सहयोग में ये कार्यभार पूरा संपन्न कराए गए है ना ये चिल्ला आपका आउ करना चाहता हूं आपको हाउ कहते ये चिल्ला बार-बार करना चाहूं कह देता हूं तब वो हाउ कहते काबर करना चाहता हूं ये मैं पूछा था तब बोला था कि ये सुकून मिलते बोला उगस भी करना चाहता हूं तो ये रही से छोटे से कॉमेडी के तौर पे रही से क्वेश्चन आंसर और बड़ा सुंदर जवाब दिए से हमारा नरेश भाई अपन बात में फंसाए सवाल को चौकुची से अब और आंसर ला कोई और सवाल में ऐड कर दे तो संवारी हो ये रही से मजेदार बात तो लास्ट में जाते जाते हमारे फिल्म के बारे में आप का कहना है ट्रेलर देख ही लियो हमारे प्रोड्यूसर है तो उत्तम तिवारी जी जिन्होंने बड़ा सुंदर फिल्म बना के रेडी कर चुके हैं अब दर्शक के बीच में लेके आने वाला है दर्शक से क्या अपील करना चाहता दर्शक से मैं यही अपील करना चाहूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा सा फिल्म बनाते तो 17 जून को अपन के बीच आते आपके अपन नजदीकी सिनेमा घर में आई लव लेटर जिसका डायरेक्टर है उत्तम तिवारी जी का और जेमा लीड कास्ट में है मन कुरैशी जी और सृष्टि तिवारी जी का तो आप जम्मूजन से निवेदन यही करना चाहूं कि आप मन अपन नजदीकी सिनेमा घर में जाओ और फिल्म ला देखो मैं दुलार दो काबर की जब तक आप मन थिएटर तक नहीं पहुंचना नया नया काम छत्तीसगढ़ में होना संभव नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा अपन मैं तो जान दो आओ यहां से जाए के बाद तो मैं बना हूं धक धक करे और शादी कोई पार्टनर के साथ एक ही वीडियो तो सवारी हो ये वीडियो जरूर आपला अच्छा लगे से ही अच्छा लगे तो बिल्कुल आप मन इसे छोड़ के मत जाओ सब्सक्राइब के बटन ला जरूर दबाओ वीडियो ला लाइक करो और दबा के शेयर करो और 17 जून के आप मन देखे बनाओ झन बनाओ का लव लेटर धन्यवाद जय जोहार हंसत रहो मुस्कुराते रहो देखत रहो सीजी नरेश।